नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जहां प्रदेश सरकार भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात कर रही है, तो वहीं प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला कुशीनगर जनपद के सेवरही थाना क्षेत्र के रकबा दुलमा पट्टी का है, जहां दो घरों को चोरों ने बुधवार की रात्रि खंगाल कर नकदी समेत सामान ले चलते बने। घर स्वामी सुबह घर के टूटे नाले देखकर हो हल्ला मचाया गया और इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई। गृह स्वामी देव ने थाने पर दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि घर के दरवाजा तोड़ अज्ञात चोरों द्वारा सोने चांदी सहित नगद 2 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई है। सूचना पाकर आनंद फानन में मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष सेवरही ने जांच पड़ताल करी है। बताते चले कि तनको ही राष्ट्रीय सर्किल क्षेत्र के सेवरही थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत रकबा दुलमा पट्टी के टोला बलुई धर्मेंद्र कुशवाहा पुत्र राजवंशी कुशवाहा, सुरेश कुशवाहा पुत्र नेवर कुशवाहा के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी को अंजाम दे चंपत हो गए। घटना को लेकर क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। अपराधियों के सामने सेवरही पुलिस मौनस साबित हो रही है। खबर लेके जाने तक चोरी की घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ है, जिसके कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर अनेक सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। उक्त घटना के संबंध में सेवरही थाना अध्यक्ष महेंद्र चतुर्वेदी से बात करने पर बताया कि मौके पर गया हुआ था, जांच पड़ताल की जा रही है, घटना का पर्दाफाश जल्द ही हो जाएगा। शिव शंकर, ये जो रात को चोरी हुई है जी, इसकी जानकारी आपको कब हुई? लमसम 3:30 बजे, करीब 3:30 बजे। आप जब जगह हैं तो कैसे पता चला है कि आपके घर में चोरी हुई है? जैसे बाहर से पूरा दरवाजा लॉक करके और सभी अंजाम दिए हैं, और उसके बाद में एक दरवाजा का लॉक बाहर से खोलकर निकल गए। आज भाई साहब निकले तो अब देखे कि हाँ पूरा दरवाजा लॉक है। हमारी बीवी आई तो हमको जगाई, उसके बाद तब तो पता चला कि बगल के घर में चोरी हो गया है। तो हम लोग भागे हुए वहाँ पर गए, आइए लोग झाड़ू बर्तन झाड़ू पोछा लगाने के लिए जैसे रूम खोल रहे हैं तो रूम का दृश्य देख करके हैरान रह गए। कौन सा थाना आता है आपका? सेवरही थाना। अभी तक किसी शासन या प्रशासन के द्वारा कोई अधिकारी मौजूद हाँ, थे? 100 नंबर वाली गाड़ी आई थी और प्लस यशो साहब की गाड़ी आई थी। उन्होंने क्या कहा है? यही बोले हैं कि ऐसा है कि हम इसके लिए कार्रवाई करेंगे, तब तक आप लोग FIR दर्ज करा दीजिए। तो आपने थाने पर तहरीर दिया है? हाँ, तहरीर अब लेकर जा रहे हैं हम लोग। किसी पर शक भी है आपको? इस शक अब कैसे बताएं, मान लीजिए गांव में तो सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कुशवाहा। कौन सा थाना पड़ता है? सेवरही। ग्राम सभा रकबा दुलमा पट्टी। आपके घर रात को कई बजे के आसपास में चोरी हुई है? 2 बजे करीब में। इसकी जानकारी आपको कैसे पता चला? हमारे लड़के के घर के दरवाजे जब खोलने गए तो जब केवाड़ी टला तो लड़का पतो जानकारी हुआ तो करके हमारे घर में कोई ठुक गया, तभी लोग निकले तो भागने लगे और भाग कर छत से जाकर कूद कर और इधर से भाग गए। कितना अनुमान लग रहा है कि चोरी हुआ आपका? 1,30,000 नगद और उसके बाद से लमसम 40-50,000 का गहना है। इसका सूचना आप थाने पर दिए हैं? हाँ, 112 नंबर वाला आकर इथी करके ले गया, उसके बाद थाने से लोग आए हैं और उसको देख कर ले गए, फिर हम लोग एप्लीकेशन लिखने FIR करने के लिए जा रहे हैं थाने पर। तो क्या कहें वो लोग, थाना से आपको आश्वासन क्या मिला है? वो आश्वासन मिला है कि जब अज्ञात आप लोग नहीं जानते हैं तो अज्ञात में थी, FIR करा दीजिए, हम छानबीन करेंगे, किसी को पकड़ेंगे तो उससे पूछताछ करेंगे। मतलब इसके आपको जानकारी नहीं है कि किसके द्वारा चोरी की गई है? ना, किसी को हम झूठ में नहीं बताएंगे कि कौन चुराया है क्या किया है। लमसम घटना 1 बजे के आसपास की है? 2 बजे की बात है।